हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जियों का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको ना तो दुकान में सब्जियों को बैठ के बेचना है और ना ही आपको किसान बन के सब्जियों को उगाना है, फिर भी आप जो है इसका बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। और आपको पता ही है कि सब्जियों का बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर नहीं पता है तो मैं इसका लास्ट में पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताऊँगा कि कितना ज़्यादा इसमें फ़ायदा है हम लोग, साथ ही इसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी और इसके लिए कितना बड़ा रूम चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और अर्निंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा उपयोग होती हैं सबके घर में। जैसे अगर हमारे ही घर में बोलें तो नाश्ते में सब्जियों का उपयोग, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में, मतलब कि तीन टाइम सब्जियों का उपयोग। और साथ ही एक सब्जी अगर बनता है तो उसके साथ और सब्जियां मिक्स करके भी बनता है। जैसे गोभी अगर हुआ तो उसके साथ मटर, गाजर, आलू, ये चार सब्जी मिला के एक सब्जी बनता है, ठीक है। तो मतलब कि सब्जियों का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी के घर में सब्जियों की आवश्यकता होती ही है। अब चलिए हम लोग इसमें जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको देखना है कि सब्जियों का रेट क्या है। सबसे पहला कहाँ पर आपको मंडी में जाके चेक करना है, ठीक है, बड़े बड़े मंडियों में आपको वहाँ पर सब दुकानदारों से मिलना है और उनसे जानना है कि टमाटर का दाम क्या है, गोभी का दाम क्या है, बैंगन का दाम क्या है, इस तरह करके बहुत सारी सब्जियों का आपको दाम पता करना है। तो अगर मान लीजिए हम लोग टमाटर का दाम वहाँ पर देखें तो टमाटर का दाम हम लोग को 80 रुपया किलो मिल रहा है, ठीक है, मंडी में। अब आप चल जाइए किसानों के पास जो कि वो चीज़ उगा रहे हैं। जैसे टमाटर का मैंने बात किया तो टमाटर किसान जो है उगा रहे, तो उनके पास अगर जाइएगा तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि वो 40 से 50 रुपये में ही देने को रेडी हो जाते हैं व्यापारियों को, ठीक। तो इससे ही आपको फ़ायदा कमाना है। कैसे, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे किसानों से डील कर लेना है कि मैं आपसे इतने में सब्जियां लेकर जाऊंगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये आपको किसानों से बात कर लेना है और फिर सब्जी मंडी में जाना है और फिर सब्जी मंडियों से बात कर लेना है कि मैं आपको रोज़ाना इतनी सब्जियां दूंगा, आप क्या लेंगे, इस तरह करके उसको मना लीजिए। अगर वो नहीं मानता है, किसी और से वो ले रहा है, तो उसको बोले कि मैं थोड़ा सा कम में ही आपको सब्जियाँ दे दूँगा, ठीक है। इस तरह अगर आप करते हैं तो आपके पास से वो सब्जियां लेना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है आपको, गांव से सब्जियां शहर में लाना है और बेचना है। अब उसका आगे का प्रोसेस हम लोग जानते हैं। अब आपको एक गाड़ी की आवश्यकता होगी और एक वजन करने वाला मशीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वजन करने वाला मशीन रहेगा तभी ना हम किसानों से सब्जियां खरीदेंगे, उसमें वजन करेंगे, और जब बेचना हो तब भी वजन करेंगे। तो आपको एक वजन मशीन की आवश्यकता होगी और गाड़ी एक आप पिकअप वैन ले लीजिएगा किसी से भाड़े पर, पहले तो भाड़े पर लीजिए, बाद में आप खरीद भी सकते हैं जब आपका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चलने लगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको लेना है। भाड़े पर ऐसा लीजिएगा गाड़ी जी थोड़ा सा सस्ता आपको मिल जाए, इन उनसे ही लीजिएगा, क्योंकि आपको गांव से सब्जियां एक्सपोर्ट करनी है शहर की ओर, तो आपको गाड़ी की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। अब आपको एक गोडाउन की आवश्यकता होगी जिसमें आप सब्जियों को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान ये भी देना है कि सब्जियां सड़े नहीं, जल्दी से उसको लाएं और जल्दी से उसको बेच भी दें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जियों को कब लाना है गाँव से और कब बेचना है मंडी में। तो आपको क्या करना है कि शाम में चल जाना है गांव और वहां से सब्जियों को तोड़ के, वजन करके, किसानों को पैसा देके और अपने गाड़ी में लोड करके उसको ले आना है। रात में आप गाड़ी से सामान को शहर की ओर ले आइए, ठीक है, फिर अपने स्टोर रूम में रखिए रात में, और जब सुबह हो जाए तो उसको फ्रेश सब्जियों को बेच दीजिए। क्या होगा कि शाम में तोड़ेंगे आप सब्जियों को और सुबह तक बेच देंगे तो वो सब्जियाँ क्या होगी, ख़राब नहीं होगा, ठीक है, इससे कस्टमर जो है आप तक बना रहेगा। अब आ जाता है मौसम के हिसाब से हम लोग को सब्जियों का व्यापार करना है। तो मौसम के हिसाब से सब्जियों का व्यापार कैसे करेंगे आप, जैसे देखिए ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा सब्जियां उगती हैं, ठीक है, जैसे गाजर, पालक, गोभी, आलू, बहुत सारी सब्जियां होती है। तो तब आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा आपको कमाने का मौका रहेगा, क्योंकि ज़्यादा आप सब्जियों को एक्सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा बेचिए तो आप ज़्यादा कमाइएगा, ठीक है, ये आप ध्यान में आ गया। अब दूसरा क्या है कि हम लोग महंगी सब्जियों को भी बेच सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, परवल हो गया, कुछ कुछ सब्जियां जो है कुछ कुछ मौसम में बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप तब ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आपको दो बातें समझ में आ गई, एक तो कि मौसम के हिसाब से सब्जियों का व्यापार करना है और एक महंगी सब्जियों का आपको व्यापार करना है। ये दो तरीका जो है इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हम लोग को कितना पूंजी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अगर आप सब्जियों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सब्जियों को एक्सपोर्ट भी करना है, तो इसके लिए आप 50,000 तक रख सकते हैं, ठीक है, कम से कम 50,000 तक, उतना में आप अच्छा खासा सब्जियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जियों के व्यापार करने से हम लोग का कमाई कितना होने वाला है। तो देखिए, मैं अभी तीन सब्जियों का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने टमाटर खरीदा,
200 किलो, जिसका प्राइस आपको पड़ गया 10,000 रुपया, ठीक है। और साथ ही आपने बैगन खरीदा 200 किलो, उसका प्राइस आपको 8,000 रुपया पड़ गया। और साथ ही आपने गोभी खरीदा 500 पीस 15 रुपया के हिसाब से, तो वो आपको 7,500 रुपया पड़ गया। अब तीनों को जोड़ लेंगे, साथ ही इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 2,500 रुपया जोड़ देंगे, तो टोटल हम लोग का 28,000 रुपया। अब इसको हम लोग बेचेंगे, तो 10,000 में हम लोगों ने टमाटर खरीदा, जिसको अगर हम लोग बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, वो 14,000 में, ठीक है। साथ ही हम लोगों ने बैगन को 8,000 में खरीदा, उसको हम लोग 10,000 में बेचेंगे। और 500 पीस हम लोगों ने गोभी खरीदा था, उसको हम लोगों ने 7,500 में खरीदा था, उसको हम लोग 10,000 में बेचेंगे। तो टोटल अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 34,000 रुपया। तो हम लोग अब 34 में से 28 को माइनस कर देते, तो कितना हम लोग का पास बच गया, 6,000 रुपया, ठीक है। इतना आप एक बार सब्जी को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप 6,000 रुपया कमा लीजिएगा, ठीक है। आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी अलग करके, सब कुछ अलग करके, आप 6,000 अपने पॉकेट में आराम से बचा सकते हैं। तो आप भी सब्जियों का बिजनेस स्टार्ट कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब्जियों का बिजनेस आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदा है, अगर आप चाहें तो और भी फायदा इससे कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।